केस मान लो प्योरली हीट ऑफ मूवमेंट और हीट ऑफ पेशेंट के कारण वहाँ पर हुआ है सर इंसिडेंट, तो जो पार्ट टू का तस में आकर अपने पिता की बारागूर की दो नाली बंदूक से फायर कर मृतक पवन पुरी की हत्या की। पॉइंट ब्लैंक शॉट मारा माय लॉर्ड, आना के दौरान पानी सर्व किया जा रहा था, पानी उसके द्वारा मांगा गया, इसने पानी देने से मना कर दिया, दोनों में हीटेड आर्गुमेंट हुए, इस पर से फादर आ गए वहाँ पे बंदूक ली और उसको मार दिया। तो मेरा मतलब और जिस तरह के लोग वहाँ रहते हैं, नहीं सर ये और जिस तरह की हाँ जिस तरह की वारदात है सर, एक बात आपको पानी ना देने आप गोली मार दो किसी आदमी को, अब आप लोग तो जब डिफेंस काउंसिल बहस करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि चाहे जल गया हो चाहे गोली लग गई हो डिसीज को, अरे मरना था ही साहब उसको, लेकिन मरने के पहले दिमाग तो चल रहा था उसका, जब तक दिमाग का पूरा पूरा अंदर पूरा मटेरियल बाहर ना आ जाए तब तक आप मारने को तैयार ही नहीं होते हो कि आदमी दिमाग नहीं चल रहा था। जो आदमी हर्ष फायर में आदमी की जान ले ले ऐसे लोगों को जेल समाज में रहने कोई हक ही नहीं है। दिस इज द सेवंथ एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। ओनली सेवंथ? यस माय लॉर्ड, द सिक्स्थ वाज डिसमिस्ड एज विथड्रॉन बाय द ऑर्डर डेटेड 21/8/23 बाय व्हिच द 3 मंथ लिबर्टी हैज बीन ग्रांटेड बाय योर लॉर्ड। 21/8/23 इन दिस केस माय लॉर्ड, हां in this case my lord the learned trial court has committed error by awarding the my lord the punishment to the applicant my lord under the my lord the kya naam hai aapka only sole appellant my lord Pushpend Giri ghatna kab ki hai date of incident hai lord sir 31/5/2015 aur custody period ho gaya actual lord sir 5 saal 1 mahine 16 days offense my lord 30 initially registered or my lord the conviction awarded my lord 304 part 1 instead of part 2 my lord this is my sole argument before your lords kitab dena kya case kya hai my lord in this case my lord one more things my lord the first application fourth application of the applicant was dismissed on merit फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेंट वाज डिसमिस ऑन मैरिट। माय लॉर्ड इन दिस केस क्या है कि मेरे रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम चल रहा था, 150-200 लोग थे वहां पे लॉर्ड से। फोर्थ एप्लीकेशन कब खारिज हुई आपकी? फोर्थ लॉर्ड से हुई थी 7/1/2022 7/1/2022 इन व्हिच माय लॉर्ड दिस क्वेश्चन नेवर बीन रेज्ड बिफोर। हां 7/1/2022 इन व्हिच माय लॉर्ड द दिस क्वेश्चन नेवर बीन रेज्ड बिफोर द what my lord question ki my lord ki whether the offense under section the conviction has been awarded by the learned trial court on the higher side in my lord part 1 instead of part 2 my lord this is case my lord purely heat of movement or heat of patient ke karan wahan pe hua hai sir incident, to je part 2 ka offense there is no sense of see no. Heat of passion is in both the cases, the only difference is in part 1 it is with intention and knowledge. Yes, and in part 2 without intention but knowledge. Ha, knowledge was keval knowledge hai is case mein, intention. So question is whether a given situation of facts yes suggests that there was intention or not. Yes, knowledge is common in both. Yes, so if it is seen kya jo para 4 of the wala possible para 4 padhiye अभियोजन का पक्ष संक्षिप्त में इस प्रकार है कि डॉक्टर एम एल मांझी CMHO आकस्मिक उपचार विभाग JH ग्वालियर के द्वारा तहरीर क्रमांक 14 भेजकर सूचना दी गई कि मृतक पवनपुरी को गंभीर अवस्था में घायल VFC की हालत में इंदरपुरी लेकर आया और बताया कि अपनी सिस्टर का फलदान लेकर जोरासी आए थे, फिर गोली चल गई जो मृतक को लग गई, जिसे चेक करने पर मृत पाया गया, इसको PM में शिफ्ट कर दिया, इसकी सूचना देता हूँ कार्रवाई की जाए, जिस पर उसकी मर क्रमांक सचिन सच के सुपुर्द की गई, उसकी सूचना SDM को भेजी गई,
इस पर से उक्त मर्ग थाना बिलगुआ पर प्रस्तुत होने पर प्रदर्श P12 की मर्ग सूचना दर्ज कर उसकी जांच के लिए सब इंस्पेक्टर सचिन सच को सौंपी गई, जिसके द्वारा प्रदर्श P16 की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रदर्श 17 की FIR का आशय की दर्ज की गई। मर्ग क्रमांक सचिन सच की जांच दौरान नरेशपुरी, ब्रजकिशोर, मोहनगिरी, सुरेंद्र के कथनों व मृतक के पवन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आरोपी पप्पू और पुष्पेंद्र ने तस में आकर अपने पिता की बारागूर की दो नाली बंदूक से फायर कर मृतक पवन पुरी की हत्या की। फादर की है? पवन पुरी फादर है? नहीं सर, ये मृतक मृतक हाँ, तो मृतक को जो मारा फादर की हत्या कर दी। जांच से 302 का अपराध पाए जाने से कायम की जाकर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा, मौका और सचिन सच पॉइंट ब्लैंक शॉट मारा। माय लॉर्ड, अब मेरा जो सबमिशन है काइंडली सीधा एग्जीबिट P13 जो सर इसमें जो उनके चाचा है इंदरपुरी जो लेके गए हॉस्पिटल, वहाँ पे लॉर्ड सिर्फ जो फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन दी गई उसमें सर ये है कि किसन एनेक्सर P13 में काइंडली सीन माय लॉर्ड 13 and 14 देयर इज नो नेम इन द FIR आफ्टर 2 डेज माय लॉर्ड द एंटायर मैटर हैज बीन माय लॉर्ड ड्राफ्टेड बाय द माय लॉर्ड कंप्लेनेंट ऑफ द माय लॉर्ड फादर ऑफ द डिसीज्ड कि सर किस किस को इन्वॉल्व करना है फादर ऑफ बेटे। सर इसमें जो एग्जीबिट P13 आप तो मेन एक्यूज्ड है ना माय लॉर्ड, एक्चुअल क्या है कि वहाँ पे जो सर 161 की स्टेटमेंट देखेंगे कि खाना चल रहा था, खाना के दौरान पानी सर्व किया जा रहा था, पानी उसके द्वारा मांगा गया, इसने पानी देने से मना कर दिया, दोनों में हीटेड आर्गूमेंट हुए, इस पर से फादर आ गए वहाँ पे बंदूक ली और उसको मार दिया। तो मेरा मतलब ये है सर लॉर्डशिप के समक्ष कि ये हीट ऑफ पैशन में हुआ है सर। सॉरी माय लॉर्ड, ये एग्जीबिट P13 देख लें सर, उसमें कहीं भी नाम नहीं है इसका, एक बार 13-14 देख लें। सब देख रहे, लेकिन जिस जगह का मुकदमा है और जिस तरह के लोग वहाँ रहते हैं, नहीं सर ये और जिस तरह की हाँ जिस तरह की वारदात है सर, एक नहीं, आपको पानी ना देने आप गोली मार दो किसी आदमी को और फिर वो सब 5 साल रह लिए हैं, तो आपको तो 10 साल से कम रहने नहीं चाहिए वहाँ पर। सर एक बार देख लें। हाँ हम सब पढ़ देखेंगे और ऑर्डर भी देंगे आपको 13, 13 आप चाहेंगे तो। हाँ पढ़िए, ये क्या है ये? ये सर फर्स्ट टाइम जहाँ पे ये लेके गए हॉस्पिटल वहाँ से इन्फॉर्मेशन दी गई कि इनको गोली कैसे लगी, क्या लगा उसके बारे में सर पूरा वो। आप लोग तो जब डिफेंस काउंसिल बहस करते हैं ना, ऐसा लगता है कि चाहे जल गया हो, चाहे गोली लग गई हो डिसीज को, अरे मरना था ही साहब उसको, लेकिन मरने के पहले दिमाग तो चल रहा था उसका। जब तक दिमाग का पूरा पूरा अंदर पूरा मटेरियल बाहर ना आ जाए, तब तक आप मानने को तैयार ही नहीं होते हो कि आदमी दिमाग नहीं चल रहा था। सर दिस क्वेश्चन, जल गया 90%, 4 गोली लग गई उसको, साहब दिमाग उसका चलना चाहिए, उसको साफ साफ बताना चाहिए ग्राफिकली क्लियर कि किसने किस एंगल से कहाँ मारा और किस चीज़ से मारा। अब देखिए साहब, उसने कहाँ कान में मारा और चोट आई आँख के ऊपर, या साहब आँख में मारा आई चोट भौं के ऊपर, कितना झूठ बोल रहा था वो। यानी इस तरह की बहस करते हैं आप लोग, कभी कभी लगता ये है कि मतलब यानी आदमी का शरीर ना हो गया, वो कठपुतली टाइप का कुछ हो गया, कि भले उसकी घर सर में चोट लगी लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आदमी को बोलना चाहिए, एग्जैक्ट बताना चाहिए कि साहब माथे में लगा और ऊपर 2 इंच नीचे और 2 इंच भौं से ऊपर वहाँ पे गोली लगी, तब मानिए हमने मारा है उसको। अब आप खुद देखिए हर्ष फायर क्या होता, व्हाट नॉनसेंस हर्ष फायर, नॉनसेंस हर्ष फायर। सर दिस क्वेश्चन सीडर माय लॉर्ड इन पार्ट 2 माय लॉर्ड पार्ट 1 की जगह होगा पार्ट 2, तब भी 10 साल का है, 5 साल ही तो हुए हैं आपको। हां सर 10 साल में, फिर भाई 5 साल हुए हैं, जो आदमी हर्ष फायर में आदमी की जान ले ले, ऐसे लोगों को जेल समाज में रहने कोई हक ही नहीं है। हर्ष फायर कर रहे थे यानी बंदूक गोलियां ना हो गई, वो खिलौना हो गया। ये हर्ष फायर की कहानी गलत है, आपको लाइसेंस मिलता है फॉर योर सेल्फ डिफेंस, ना कि हर्ष फायर का कहीं लिखा है एक्ट में कि हर्ष फायर में जो है वो केवी लाइसेंस दिया गया है आपको। लड़का पैदा हुआ हर्ष फायर, लड़की पैदा हुई तो जमीन के अंदर गोली मार दी, शादी हुई हर्ष फायर, अरे ये क्या है, इसमें क्या आप दिखाना चाहते हो लोगों को
कि बड़े आप बड़े ओजस्वी हो क्या? नहीं नहीं सर, कि बड़े बड़े बहादुर हो कि इनके हर्ष पाया नहीं हुआ, 15-20 लोगों के मैंने फोटो भी लगाए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, आप अपना ऑफेंस क्या है? यानी पानी पार्टी में गांव में खाना खिलाया जा रहा, पानी नहीं था गोली मार दी, पता हर्ष फायर। ऐसे लोगों तो 10 साल से पहले निकलने नहीं चाहिए जेल से, सबक सीखना चाहिए कि समाज में रहते हो कुछ तरीके से रहो, कि बस यही गोली के और बंदूक के दम पे अपना व्यक्तित्व अच्छा करो ताकि आदमी वहाँ इज्जत करें, बरस्पत इसके आप लगे हर्ष फायर कर लें। चलो हो गया, जाओ, डिसमिस।